यस एक फिक्स पॉइंट दे रखा था अल्फा बीटा, और एक फिक्स लाइन दे रखी थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। आपको एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस बताना था जिसके लिए पी एस बाई पी एम का रेशियो किसके बराबर था। ठीक है, तो वही जो लोकस था वो किसके बराबर आया, वो लोकस किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता था, कोनिक की। समझ गया कि नहीं। यस और सर। पी एस मतलब पॉइंट पी की डिस्टेंस अल्फा बीटा से, तो वो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। पी एम जो हुई वो एक्स वाई से इस लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो हो गई मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर आपने पी एस स्क्वायर किया, ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर कर दिया, तो वही आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कोनिक। पी एस स्क्वायर मतलब एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। पी एम स्क्वायर मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर किसी कोनिक की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा, फोकस। फोकस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन क्या इक्वल टू जीरो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स ये ई जो होगा वो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो जैसे आप पहला वाला एग्जांपल देखिए, क्या अभी ये कोनिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, नहीं, पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आप ए को ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, तो अब ये पी एस स्क्वायर की फॉर्म आ गई। इसके बाद वन बाई टू यहाँ आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो पहले इसको अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से रूट टू आएगा, तो रूट टू का होल स्क्वायर यहाँ लेंगे, तो ऑब्वियसली हमें टू यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री बाई रूट टू का होल स्क्वायर। देखा, तो अब ये आ गया पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर की फॉर्म आ गया। तो यहाँ से फोकस कितना आ गया बताओ, 1.2 वन कॉमा और टू डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई, कितनी एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो। और इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, वन 1.2 वन 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 स्क्वायर है ना, यस सर। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई भाई, वन। दिखा कि नहीं सबको, बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रखेंगे आप लोग। इसेंट्रिसिटी वन का स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई बताइए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। पहला आंसर सबको क्लियर हुआ, कैसे इसको फॉर्म किया जाए बोलिए। इसको आपको यस लिखना होता सर। है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से एक्स का कोई कोफिशियंट है तो पहले उसको कॉमन करेंगे, बात समझ आई। फिर आप जब एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा होगा तब ये अल्फा कॉमा बीटा क्या होंगे, फोकस। और यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर, तब ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और इसके बाद यहाँ जो टर्म आएगा उसका रूट लेंगे तब वो क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी। प्रोसेस समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ बोलिए। चलिए बी वाला आंसर बताइए, बी में क्या होगा। हाँ भाई, बी के साथ क्या होगा बोलिए। बी में इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर वाई प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर बाई रूट थर्टीन का स्क्वायर। तो 13 यहाँ पे आया और 5 यहाँ पे आया, देख लो आराम से आ गया। तो बताओ फोकस कितना यस आया सर। इसका, थ्री थ्री कॉमा कॉमा माइनस माइनस फोर थ्री फोर कॉमा माइनस डायरेक्ट्रिक्स फोर कितनी आ रही है, टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर एक्स थर्टीन प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल। और इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है, बाई थर्टीन फाइव बाई फाइव रूट 13 बाई 5। भाई यस ई सर। रूट स्क्वायर होता है ना ये, फिर यस सर। यस सर उसका रूट लेंगे ना, समझ गए कि नहीं बताओ यस सर। भाई। तुरंत आप इसको इस तरह से देखते हैं ना, पी एस का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और पी एम का स्क्वायर, आप समझे कि नहीं पूरा खेल, यस सर। ये ई स्क्वायर हो जाता है ना, बताओ भाई। यस सर। चलिए अब सी का आंसर मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि सही होना चाहिए सबका। आराम से 2 मिनट सोच के सी का आंसर मुझे एग्जैक्ट बताना है आप लोगों को, किसी का गलत नहीं होना चाहिए सी। 1 मिनट का आराम से टाइम लीजिए। सी का -1.2 यस सर। -1.2 यस सर। माइनस वन कॉमा टू आ रहा है ना, यस सर। सबसे पहले यस आपने सर। फाइव कॉमन किया होगा तो ये बचा होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से भी फाइव वाई कॉमन, -2 ये वाई माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे लिखेंगे तो 3x plus 4y minus 5 by 5, मतलब भाई रूट 25 ना, तो इसी का यहाँ क्या आ गया वो स्क्वायर, और यहाँ पर आया होगा 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 या 1/√2 का स्क्वायर ही ले लो, ठीक है ना ये। अरे हाँ है ना, यहाँ यस पे सर, ट्वेंटी यस सर, फाइव आ रहा होगा, तो ये 25 कॉमन करके आपने हटा दिया होगा, यहाँ पे हटाओ बचा होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव बाई फाइव का होल स्क्वायर। अब ये आ गया होगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, है ना। बोलो भाई, तो अब फोकस यस कितना आ रहा है, माइनस सर, वन माइनस कॉमा वन टू, कॉमा टू और डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ रही है, थ्री थ्री एक्स एक्स प्लस प्लस फोर माइनस वाई फाइव माइनस माइनस फाइव टू, वन इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है, अपॉन वन रूट अपॉन टू रूट टू टू। ये सबने सॉल्व कर लिया होगा ऐसे ही एकदम, कोई यस कंफ्यूजन सर, हो तो बताइए। आप बताओ पहला वाला कोनिक क्या था, पैराबोला वन था यस सर, क्योंकि उसकी यस इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही थी, वन वन। दूसरा वाला कोनिक क्या था, इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी है। हाइपरबोला प्रांतल वाला कोनिक क्या था, हाइपरबोला समझ में आ रहा होगा सबको। यस सर थर्ड वाली इसेंट्रिसिटी वन से कम है, एक्लिप्स इलिप्स नहीं इलिप्स। हाँ भाई ये वाला क्या है, इलिप्स। इलिप्स समझ गए कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो अब ये इसेंट्रिसिटी देखकर कोनिक देखकर आप बता सकते हैं कहाँ पर क्या था, बोलो भाई। अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो आप कोनिक की इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, बोलो। अरे हाँ है यस ना, सर, इसी को सिंप्लीफाई करके आप कोनिक बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको कोनिक की इक्वेशन निकालनी है हर बार। आपको डायरेक्ट्रिक्स दी है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है, फोकस दिया, और इसेंट्रिसिटी दी है। आपको सिंप्लीफाई करके कोनिक की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, क्या करना बताओ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा, फोकस आपको क्या दिया हुआ है, 1.2 डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दी है, एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और चूंकि पैराबोला है तो उसकी सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वन। वन तो फिर इक्वेशन क्या होगी, वही होगी दैट इज पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अच्छा पी एस स्क्वायर क्या होगा, वही एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, और ई तो वन ही हो जाएगा, और पी एम क्या होगा, एक्स माइनस टू के मॉड बाई रूट वन का स्क्वायर। देखो यही तो आएगा, तो इसी को अगर आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, ये देख लेना। तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, और इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस फोर कट नहीं आएगा, तो भी कैंसिल कर लें, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का टू प्लस का टू एक्स इक्वल टू। देखो ये इक्वेशन आ रही पहली, हाँ या ना, देख लीजिए आराम से, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ यस सर यही यही आ रहा ना सबका आंसर, समझ गया नहीं करना क्या था, बताओ। सर, प्लस वन होगा, यस सर, फोर अच्छा एक प्लस वन भी आएगा ना, नहीं तो वो फोर नहीं, फोर की जगह प्लस वन आएगा यस ऐसा। सर, अभी ठीक है तो यस ओके, समझ गए ना सब लोग क्या था क्या नहीं था, बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सबको। गुड, बाकी दोनों आंसर जल्दी बताओ। और ई यस स्क्वायर मतलब 1/4, और पीएम क्या हो जाएगा, वाई वाई माइनस फाइव माइनस बाई फाइव रूट इज वन यही होगा। देखो यस सर, इसका मतलब 4x² प्लस 8x प्लस 4 4y² माइनस 16y प्लस 16, देख लो आराम से, y² माइनस 10y प्लस 25, बोलो भाई। अंतर यस सर, आएगा 4x² प्लस 3y² प्लस 8x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। यस सर, क्या सही लिखा है मैंने आंसर, यस सर, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन है भाई, गुड। इसके बाद सी पार्ट का आंसर बताइए, सी में फोकस कितना है, थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी है 3/2, 3 बेट
और डायरेक्टिक्स कितनी है? कितनी है भाई? 2x थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्या है, कोनी की हाइपरबोला है कि नहीं ये बताओ। यस सर। तो इसमें भी सेम रिजल्ट लगेगा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर y प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब यहाँ पर बस 2x प्लस 3 बाई क्या आ जाएगा बताओ, 2 इसका स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया, 2 क्यों आएगा बताओ भाई, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो yes, है, क्लियर है। अब आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 16 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर 16 वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर 9 टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए। ऐसे ही तो किया होगा सबने, नहीं? यस सर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। तो 36 और 16 तो सर 20x स्क्वायर आता है, देखो माइनस का 16y स्क्वायर आता, 3 6 12 9 108 और यहां से आता है 6 96 प्लस का 12x आता है, देखो बोलो माइनस प्लस का 160y आ रहा है। चेक करते जाना पूरा कैलकुलेशन, 81 तो यही आ रहा है और 25 और कितना 9 34 इंटू 16 544 और उसमें 81 माइनस होगा तो बचेगा 364 माइनस का 463 ये आ रहा है। क्या चेक करिए जरा आंसर, हाँ भाई कैलकुलेशन चेक करके बताओ जो लिखा है वो ही सही लिखा है कि नहीं। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी, तो हम ये रिजल्ट लगा के किसी भी कोनिक की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें इस फॉर्म में कोनिक की इक्वेशन दी हुई है तो ये रिजल्ट देखकर हम डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं। यहां तक बोली गई बात सभी लोगों को क्लियर है, बोलिए। तो चलिए आ जाइए स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो है क्या, आपको एक फिक्स पॉइंट दिया रहेगा दैट इज ए कॉमा जीरो और एक फिक्स लाइन आपको दी हुई है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं दैट इज एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, सही है ना, या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये एक फिक्स लाइन हो गई जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कह देते हैं, ये फोकस हो गया। अब हमें एक पॉइंट पी का लोकस निकालना है जिसको हम एक्स वाई कह दें। तो ऑब्वियसली चूंकि पैराबोला की बात कर रही तो पी एस और पी एम का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वन के। अरे हाँ या ना, तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए कॉमा जीरो जो है वो फिक्स पॉइंट है और एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो एक फिक्स लाइन है। इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, फोकस। इसी फिक्स लाइन को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब हम जब लोकस सेम लगाएंगे तो वही इक्वेशन लगाएंगे दैट इज पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। ई तो यहाँ वन होता ही है, इसका मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए। तो ये पहला इक्वेशन आया जिसके लिए फोकस कितना हो गया a कॉमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई x प्लस a इक्वल टू जीरो और स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अब बात आती है कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो कि कहां से पास करे, फोकस से। इसी लाइन को हम क्या कहेंगे बताओ, एक्सिस ऑफ कोलिजन। एक्सिस लाइन को हम क्या कहेंगे भाई, एक्सिस। तो अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो इस केस में एक्सिस क्या होगा बताओ भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो x प्लस ए के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, y इक्वल टू लैम्डा और वो कहां से पास करेगा बताओ, फोकस a कॉमा जीरो से। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू जीरो आ जाएगी।
तो एक्स किसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो आ गई कि नहीं आ गई बताओ? अरे yes, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आती है वो आती है वर्टेक्स की, ये हो गई पैराबोला की ज्योमेट्री। नहीं समझे, ये किसकी ज्योमेट्री होगी भाई? पैराबोला की। पैराबोला सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये ज्योमेट्री किसकी होगी? पैराबोला की होगी। तो पैराबोला जहां पर किसको कट कर दिया होता? क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे। तो हमने एक्सिस की बात कर ली। एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है बताओ? फोकस से। तो एक्सिस मिल गया हमको। अब अगला हमें वर्टेक्स की बात करनी है। तो वर्टेक्स क्या होता है बताओ? कोनिक और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ बस, तो हम कोनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं बताओ जल्दी से? तो बताओ व्हाट इज वर्टेक्स? व्हाट इज वर्टेक्स? इसके लिए हम सारा एनालिसिस करेंगे और बाकी सबके लिए फिर रिजल्ट वही से ही लिख देंगे, ठीक है ना? तो बताओ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या हो गया भाई? हमारे पास पैराबोला आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्सिस आई वाई इक्वल टू 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर ले, है कि नहीं? तो x इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या आ गया हमारे लिए? 0, 0। दिखा कि नहीं बताओ? यस सर। तो हमने वही काम किया, एक्सिस और वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद अगला आपको याद होगा, आपने पढ़ा था डबल ऑर्डिनेट, याद आ रहा है? यस सर। तो बताओ डबल ऑर्डिनेट की बात करते हैं। चूंकि ये पॉइंट 0, 0 आ रहा है तो वो जीरो से ही आगे होगी हमेशा, तो x इक्वल टू लैम्डा होगी। हाँ है ना, बट लैम्डा ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। अब बताओ लैटिस रेक्टम की बात करो। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास करे भाई साहब? फोकस से। यस सर। तो बस ऐसा डबल ऑर्डिनेट निकालो जो कि फोकस से पास कर रहा है। ऐसा डबल ऑर्डिनेट तो भाई x इक्वल टू लैम्डा आया डबल ऑर्डिनेट और उसको कहां से पास करा दो? पैराबोला को कट कर रहा होगा, ये तो हो गया लैटिस डबल ऑर्डिनेट जो कि पैरेलल है। ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रहा है वो हो गया लैटिस रेक्टम। अब लैटिस रेक्टम जहां पर पैराबोला को कट करेगा वो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम होंगे कि नहीं? Yes, तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम का। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम बताओ। तो हमें किन दो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है? x इक्वल टू a एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आएगा, तो यहां से y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आएगी, तो एंड पॉइंट क्या आएंगे बताओ? दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी? ये वाली 2a, ये वाली 2a, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 4a। मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आएगा? 4a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये कितना आ रहा है? 4a। पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। यस सर। इसका मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का भी एक रिजल्ट हो गया, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम का भी रिजल्ट हो गया। बोलो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम भी हो गई, सही है? इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, फोकस भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया। सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अच्छा अब आता है पैरामेट्रिक पॉइंट, ये पे पढ़ लेते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला किस पे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। इस पर हम एक पैरामेट्रिक पॉइंट निकालते हैं। तो पैरामेट्रिक पॉइंट किसी पैरामीटर के टर्म में होता है ना, तो अगर हम x को at स्क्वायर ले लें तो y की वैल्यू 280 आ जाएगी। तो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है at स्क्वायर कॉमा
दिखा कि नहीं, बोलो यस। यहाँ पर टी जो है यहाँ पे कोई भी रियल नंबर, कोई भी पैरामीटर, जैसे सर्कल के केस में थीटा एक पैरामीटर था ना, वैसे इस केस में कोई भी एक पैरामीटर ले लिया हमने टी, उसके रेफरेंस में मतलब किसी एक वेरिएबल में। इस ऐसे पैराबोला पे पॉइंट लेंगे x, y, पैरामीटर के टर्म में पॉइंट लेंगे at स्क्वायर, 280, तो आप t की वैल्यू निकालोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, जहां पर a यही हो गया। नहीं समझे? समझ गए, तो वही हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। समझ में आया रिजल्ट की नहीं बताओ भाई? अरे हाँ या ना भाई, पैरामेट्रिक पॉइंट समझ गए कि नहीं? इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं। तो क्या इस वाले पैराबोला के सारे रिजल्ट आपको मिल गए? बोलो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, सबको समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अब अगर हम इन सारे रिजल्ट को एक ज्योमेट्री में आपके सामने बना दें, ये रहा वो पैराबोला जिसकी हम बात कर रहे थे, बोलिए, ये उस पैराबोला की एक्सिस हो गई, ये उस पैराबोला का क्या हो गया बताओ? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपने क्या लिखी है? x plus a equal to 0. वर्टेक्स आपने क्या लिखा है? 0, 0. फोकस आपने क्या लिखा था? a comma 0. डबल ऑर्डिनेट आपने क्या लिखा था? सॉरी, लैटिस रेक्टम x equal to a, x minus a equal to 0. एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या थे? a, -2a. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या थी? 4. याद आ रहा होगा सबको? यस सर। बोलिए, कोई भी डबल ऑर्डिनेट आपने लिखा था क्या था? x equal to lambda, यहाँ पे lambda क्या था? greater than 0. समझ रहे हो कि नहीं भाई? देख लो, एक्सिस की इक्वेशन आपने क्या लिखी थी? y equal to 0. बोलो, तो इस पैराबोला के सारे बेसिक रिजल्ट हमें क्लियर हो रहे हैं कि नहीं बताओ? अच्छा, इसकी सरफेस पर कोई भी पॉइंट लिया था आपने, p क्या लिया था? at square comma 280. ये सारे रिजल्ट किस पैराबोला के लिए हैं? y square equal to 4ax. कोई रिजल्ट में डाउट आ रहा हो कहीं भी तो बताओ। देख लो, इस पूरे पैराबोला के रिजल्ट में आपको कहीं भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बताइए। बोलिए, एक्सेस समझ में आ गई सबको, डायरेक्ट्रिक्स दी थी, फोकस पता ही था, बोलो भाई, एंड पॉइंट आपने निकाली लिए हैं, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन या डाउट बन रहा हो तो बताइए इस पैराबोला के बारे में, बोलो जल्दी से। अरे हाँ या ना, कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। क्लियर हो गया भाई? y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामेट्रिक एक बार बता दीजिए सर। पैरामीटर बेटा बस t पैरामीटर है। अगर पैरामीटर t के टर्म में पॉइंट लिखा, अगर t को एलिमिनेट करना चाहो तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? y / 2a, ये उठा के यहां रख दो तो क्या बनेगा बताओ? x = a y / 2a का होल स्क्वायर, तो ये वाला रिजल्ट यही बन गया कि नहीं? यस सर। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए पैरामीटर लिखा है। मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर। हाँ भाई, इसीलिए बस हमने ये रिजल्ट उठा के लिखा है, ठीक है ना सर? ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का लिया। एक्चुअल में पैरामीटर पॉइंट का यूज ही हम इसीलिए करते हैं कि वो क्या करता है कि आपके पैरामीटर को रिड्यूस कर दे, रिड्यूस कर देता। जैसे अभी हम क्या है, x और y दो मानेंगे, अब हम क्या मानेंगे? सिर्फ एक पैरामीटर t मान लेंगे, तो क्या हुआ हमारे, अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये है मतलब, समझ गए ना? यस सर। और कोई डाउट इस पैराबोला के बारे में? सारी इंफॉर्मेशन सबके पास आ गई कि नहीं आ गई? yes, बताओ sir. इसकी ज्योमेट्री भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, बोलो। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। चलिए, तो हमारा एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी ज्योमेट्री आपने बनाई थी ना, सभी को याद है ना? yes, ऐसा कुछ था, दिखा? ये वर्टेक्स था 0 0। यस सर। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू -4x बनाएंगे तो इसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आएगा? इसकी ज्योमेट्री ऐसे नेगेटिव साइड, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। ये तो वर्टेक्स रहेगा ही 0 0। यस सर। यस सर। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x रहेगा। हां या ना? ये y स्क्वायर इक्वल टू -4x बन जाएगा, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो। ये तो हो जाएगा। तो होगा क्या दोनों में, इससे और इसमें जाने में बस एक चीज का ध्यान रखें, यहां से यहां में हमें बस एक चेंज करना है कि x को किससे रिप्लेस कर देना? -x। जितने भी रिजल्ट हैं आपके, सब में x को किससे रिप्लेस कर दोगे? -x। फॉर एग्जांपल, इस केस में फोकस आप क्या लिखते हो?
इस केस में क्या लिखते माइनस ए कॉमा जीरो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखते हो माइनस जीरो मतलब तो जीरो ही रहेगा ना बोलो हाँ या ना अच्छा इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं डबल ऑर्डिनेट क्या लिखते हो एक्स इक्वल टू लैम्डा लैम्डा ग्रेटर देन जीरो डबल ऑर्डिनेट होता है एक्स इक्वल टू लैम्डा इसमें क्या होगा x equal to lambda, यहाँ पर लैम्डा पॉजिटिव होता है यहाँ पर लैम्डा कैसा हो जाएगा लेस देन जीरो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ अच्छा इसके बाद आगे बढ़ो इस केस में लैटस रेक्टम क्या लिखते हो फोर इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम बेटा x माइनस a इक्वल टू जीरो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस x प्लस a माइनस x माइनस a माइनस a माइनस a भाई x को सिर्फ आपको क्या करना है माइनस एक्स रिप्लेस समझ रहे हो मेरी बात की नहीं भाई तो यही बुक में आप देखोगे तो बुक में आपको एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो लिखा मिल जाएगा नहीं समझे अच्छा अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं एंड पॉइंट क्या लिखोगे ए कॉमा टू ए कॉमा माइनस टू इस केस में एंड पॉइंट क्या होता है ए कॉमा टू ए एंड ए कॉमा माइनस टू ए इस केस में क्या होगा एक्स माइनस एक्स रिप्लेस माइनस a comma 2a minus a comma 2a minus a comma minus 2a मेरी बात समझ रहे हो रिजल्ट एकदम कनेक्शन में चल रहा है कि नहीं ये वाला रिजल्ट आपके दिमाग में है तो ये सारे रिजल्ट आप उसी हिसाब से लिखते चले जा रहे हो नहीं बताओ अच्छा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम में कोई चेंज होगा नो सर क्योंकि वो तो 4a यहां भी होता है और यहां भी वो क्या होगा 4a क्योंकि लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना बोलिए अच्छा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को लग रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा चेंज एकदम समझ में आया सबको कि नहीं बताओ भाई है ना सारे चेंज एकदम क्लियर है कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो ज्योमेट्री वाइज क्या चेंज होगा ये भी समझ में आ गया बोलो ये इस तरफ ओपन हो रहा है ये इस तरफ ओपन हो जाएगा क्लियर है कि नहीं बताओ और सिर्फ इसके सारे रिजल्ट में x वाले को हमें क्या कर देना है माइनस x दिख रहा है कि नहीं आपको बताओ यस yes, मतलब हमें x वाले रिजल्ट को क्या कर देना है माइनस x माइनस हाँ यार ना अच्छा एक चीज हमने नहीं लिखी एक्सिस नहीं लिखी ना कहीं पे बोलो यस एक्सिस यहाँ क्या होती है वाई इक्वल टू जीरो अच्छा वाई में तो कोई चेंज नहीं तो फिर एक्सिस यहाँ भी वाई इक्वल टू जीरो रहेगी यहाँ भी क्या रहेगी वाई इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्सिस में कोई चेंज नहीं है नहीं होता बात समझ रहे होगे कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा तो बताओ डन है मामला कि नहीं बताओ यस सर आप अगले में जरा आओ अगर आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई बनेगा है कि नहीं तो y square equal to 4x की ज्योमेट्री तो आपने बनाई है बोलो भाई ये डायरेक्ट्रिक्स थी कि नहीं थी ये कुछ ज्योमेट्री yes, ऐसे बन रही थी ये वर्टेक्स था बोलो भाई यस सर सबको समझ में आ रहा होगा अच्छा इसमें क्या होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा ये कुछ ऐसा बन रहा होगा ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बोलिए भाई तो क्या yes, इसमें x और y इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं ये बताओ बोलो मतलब यहां से यहां जाने में हमने क्या किया होगा सोचो यहां से यहां जाने में x को y ले लिया y x और y को आपस में क्या कर दिया है इंटरचेंज इस y की जगह x आ गया इस x की जगह y आ गया बाकी तो कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा ना तो बस इसके सारे रिजल्ट में हमें x को क्या कर देना है y से सारे रिजल्ट में हमें x को किससे रिप्लेस कर देना है y सारे रिजल्ट इसके लिख लेते हैं और फिर इंटरचेंज बना लेंगे सही है ना हमने चेंज देखा कि अगर हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रिजल्ट में जाना है हमें बस x और y को आपस में क्या कर देना है इंटरचेंज मतलब x और y के जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे उसमें x और y के रिजल्ट को आपस में स्वैप कर देना
जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई है, एक्स वाई और वाई एक्स हो गया, तो फोकस इसका ए कॉमा जीरो होता है, तो इसका जीरो कॉमा ए हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए होती है, तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स वाई प्लस ए हो जाएगी, इसकी एक्सिस एक्स इक्वल टू जी वाई इक्वल टू जीरो होती है, तो इसकी एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी, इसका वर्टेक्स जीरो जीरो होता है, इंटरचेंज करोगे तो इसका भी वर्टेक्स जीरो जीरो ही रहेगा, इसका डबल ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू लैम्डा लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका डबल ऑर्डिनेट वाई इक्वल टू लैम्डा लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, इसमें इक्वेशन ऑफ लेटर्स रखता हूं, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो होती है, इसमें वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाती है, इसमें एंड पॉइंट ऑफ लॉग ए कॉमा टू ए, ए कॉमा माइनस टू ए हो जाता है, इन्हीं दोनों को इंटरचेंज करोगे तो टू ए कॉमा ए और माइनस टू ए कॉमा ए हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर्स रखता हूं, इसमें भी फोर ए होती है, इसमें भी फोर ए, लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पैरामेट्रिक पॉइंट एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी होता है, एक्स वाई इंटरचेंज करोगे तो टू एटी कॉमा एटी स्क्वायर हो जाएगा, फॉर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए। इसके बाद जैसे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वाई वाले रिजल्ट को माइनस वाई से इंटरचेंज कर देंगे, तो इसके जो सारे रिजल्ट आपके पास है उसमें बस वाई वाले रिजल्ट को माइनस वाई से रिप्लेस करते चले जाना, तो इसका फोकस अभी आपने पढ़ा जीरो कॉमा ए होता है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसका एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो होता है, इसमें भी एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, इसका वर्टेक्स जीरो जीरो होता है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो ये भी जीरो जीरो रहेगा, इसका डबल ऑर्डिनेट वाई इक्वल टू लैम्डा लैम्डा पॉजिटिव, तो इसका भी वाई इक्वल टू लैम्डा रहेगा, मगर लैम्डा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगा, वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो, इसमें माइनस वाई माइनस ए यानी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसमें लेटेस्ट रेक्टम लेंथ फोर ही रहती है, इसमें भी फोर ही रहती है, एंड पॉइंट टू ए कॉमा ए माइनस टू ए कॉमा ए, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, तो इसमें टू ए कॉमा माइनस ए माइनस टू ए कॉमा माइनस ए आ जाएगा, इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा सॉरी 280 कॉमा 80 स्क्वायर होता है, तो इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा, नानी हमको पता है ना, समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बताइए, हमारे कुछ नहीं है, वो हो कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, समझ गए सब लोग, तो अब इस तरह का कोई भी पैराबोला रिजल्ट आएगा आप उनके लिए वो सारे रिजल्ट उठा के लिख सकते हैं कि नहीं, एक तो ये वाला चेंज कैसे हो रहा है दिखा सबको, फिर एक ये चेंज y स्क्वायर इक्वल टू 4x से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में कैसे जा रहे हैं, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x से x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4x में क्या चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पूरी टेबल के रिजल्ट हैं, जहां आपको जैसा रिजल्ट जरूरत पड़ेगा वो रिजल्ट आप वहां लगाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। पहला वाला आंसर देखो 2,0 y स्क्वायर इक्वल टू 4, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना आप यही काम करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यहाँ से 4a is 8, a की वैल्यू 2 आ गई, अब a को 2 लिख के साइड कर लो, अब बस सीधा आंसर लिखते जाओ, फोकस a कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, एक्सिस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, वर्टेक्स 0 0, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a, देख लो सारे आंसर लिख गए कि नहीं बताओ, यस सर, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए, समझ गए कि नहीं, हाँ या ना, ये हो गया ए वाले के सारे आंसर, अब बी वाले के आंसर बोलो, चलो भाई बी वाले के सारे आंसर बोलो, हाँ बी वाले के लिए क्या करोगे ये बताओ, ए का तो काम हो गया, बी वाले के लिए किसको कंपेयर करोगे बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y दिया हुआ है, हाँ या ना, यहाँ से भी 4a equal to 12 करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी इस बार, yes, sir. यहां से यहां में सारे रिजल्ट में x की जगह बस y लिखते चले जाते हैं, yes, sir. तो बताओ focus 0,3 x square equal to 12y है, हाँ इसके लिए रिजल्ट बोलना शुरू करो बस, इसके लिए focus, focus क्या होता है 0,a हो जाएगा, 0,3 yes sir, तो focus कितना आ रहा है 0,3, very good, बाकी डायरेक्ट्रिक्स y plus 3 equal to 0, very good, आगे एक्सिस x equal to 0, x is equal to 0, फोकस कितना आ रहा है, length of latest rectum 12, फोकस चाहिए हमें 0,3, चाहिए एक्सिस चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, और एंड पॉइंट ऑफ क्या चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम, चलो शुरू करते हैं, फोकस कितना आ जाएगा 0,a क्या, यस सर, डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी y + a, अरे बोलो x को y से रिप्लेस कर दिया ना,
अरे नहीं यस सर इसके बाद एक्सेस क्या आएगी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो लेंथ ऑफ लेटर्स एक्टम 4a 12 वर्टेक्स कितना आएगा 0 0 एंड पॉइंट कितना आता है इस केस में 6 कॉमा 3 माइनस 6 कॉमा a 2a कॉमा a ना यस सर माइनस 2a कॉमा माइनस 2a कॉमा a देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ समझ गए होगे भाई नहीं बोलो यस सर चलिए सही है तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 तो a की वैल्यू 1 आ रही ना यहाँ से Yes, sir. अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ये बताओ एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाता है ना माइनस एक्स मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तो इसी को लिखोगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा एक्सिस सेम रहेगा इक्वल टू जीरो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी सेम रहेगी मॉड 4 हां वही मॉड 1 वर्टेक्स भी सेम रहेगा जीरो एंड पॉइंट क्या चेंज होते हैं माइनस वन की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाता है याद आया कि नहीं बताओ yes, तो वो माइनस वन कॉमा टू माइनस वन कॉमा माइनस टू नहीं समझे समझ गए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं भाई बोलो माइनस ए कॉमा टू ए माइनस ए कॉमा माइनस टू ए और ए की वैल्यू वन है अरे हाँ या ना बोलो चलो इस केस में बताओ यहाँ पे किससे कंपेयर करोगे फोर एक्स स्क्वायर को माइनस फोर है भाई तो फोर ए यहाँ पर कितना आएगा थ्री तो ए कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर अब इसमें सारे रिजल्ट में एक्स और वाई पहले इंटरचेंज करना होगा और फिर वाई की जगह क्या लिखना होगा माइनस वाई तो फोकस कितना हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई फोर डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी बताओ वाई माइनस थ्री बाई फोर यानी माइनस वाई प्लस थ्री बाई फोर होगी कि नहीं yes, क्या लिखोगे वाई माइनस थ्री बाई फोर मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं यार ये बताओ yes, sir, समझ एक्सिस कितना हो जाएगा इस केस में x equal to length of letter rectum तो सेम ही रहेगी कितनी थ्री थ्री बाई फोर वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा अच्छा एंड पॉइंट पे आओ एंड पॉइंट इसमें कितने होंगे इसके लिए a कॉमा टू ए और a कॉमा माइनस टू ए होते हैं x और y को इंटरचेंज करना है तो टू ए कॉमा a और टू ए कॉमा माइनस टू ए कॉमा a और फिर माइनस से रिप्लेस कर देना है मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तो 2a मतलब 3 बाई 2 कॉमा माइनस ए अरे हाँ या ना और फिर माइनस 3 बाई 2 कॉमा माइनस ए चेक कर लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ ये समझे चेंज हाँ या ना तो हमने क्या टेबल याद की बोलो बस हमने उस चेंज के हिसाब से रिजल्ट बनाते चले गए कहीं कोई कंफ्यूजन आपके पास रह जा रहा हो तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे बोलो भाई अब जितने रिजल्ट आएंगे वो सारे रिजल्ट आप उठा के लिख लेंगे कि नहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो बताइए अरे बोलो भाई कोई कंफ्यूजन रह जा रहा तो बताइए हाँ भाई पहले वाले में क्या है a की वैल्यू कितनी थी पहले वाले में 2 तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t बोलो याद आया 80 स्क्वायर कॉमा 280 a कितना है 2 दूसरे वाले में कितना था a 3 था ना तो 280 कॉमा 80 स्क्वायर बोलो तीसरे वाले में क्या था a की वैल्यू 1 थी हाँ या ना yes, sir. और x को माइनस से रिप्लेस करना था तो माइनस टी स्क्वायर कॉमा 2t अगले वाले में a की वैल्यू कितनी थी 3 बाई 4 हाँ या ना yes, sir. और y को माइनस से रिप्लेस करना था तो 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए नहीं समझे बोलो इसमें a कितना लिया हमने 2 याद आया सबको yes. इसका पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 इसमें हमने a कितना लिया 3 पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है 280 कॉमा 80 स्क्वायर इसमें हमने a कितना लिया 1 पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है
माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 याद आ रहा है कि नहीं, x को माइनस x से रिप्लेस किया, इसमें a कितना हमने लिया 3/4 और पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर, याद आ रहा होगा यार सबको, बोलो ये पैरामेट्रिक पॉइंट हम कैसे लिख रहे हैं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। यस सर, यस सर, वही सेम चेंज है। हाँ या ना, चेंज कैसे है, यहाँ से यहाँ गए तो क्या चेंज किया बताओ सर, एक्स को वाई से, सारे रिजल्ट वैसे ही चेंज कर दिए, यहाँ से यहाँ आए तो क्या चेंज किया सर, एक्स को माइनस एक्स, वेरी गुड, सारे चेंज वैसे ही कर दिए, यहाँ से यहाँ आए तो क्या चेंज किया वाई को माइनस वाई, बस सारे चेंज वैसे ही कर दिए, वही कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, ये जो चेंज है इसी को ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब आप कर ही लेंगे, नहीं समझे पूरा खेल क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है बताओ भाई। तो ये टी के टर्म में पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिख रहा हूँ समझ में आया कि नहीं बताओ। यस सर, कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, अब इस तरह के सारे रिजल्ट आप लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता सकते हो तुरंत मुझे, नहीं है ना कंफ्यूजन, बोलो भाई। नो सर। वेरी गुड, चलिए यहाँ तक की बात एकदम ओके हो गई बताओ। यस सर, है कि नहीं। अच्छा अब हम इसी को अगर हम ऐसे लिखा हो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा, तो हम इसको कैपिटल y लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस सर। हाँ है ना, हम इसको कैपिटल x लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस सर। हाँ या ना, तो यही इक्वेशन जो है वो इसमें चेंज हो जाएगी कि नहीं, तो अगर हम इसके लिए सारे रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सारे रिजल्ट हमें पता है किसके टर्म में, कैपिटल y कैपिटल x के टर्म में, बाद में उन सारे रिजल्ट को हम स्मॉल x स्मॉल y में लिख देंगे, नहीं समझे कहानी क्या हुई। यस सर। मतलब अगर आपने अपने अगर आपने अपने पैराबोला को इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, किस फॉर्म में, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा, x का कोफिशिएंट प्लस 1 और y में परफेक्ट स्क्वायर, तो y माइनस बीटा को ही आप क्या मानेंगे, कैपिटल y, कैपिटल y सही है, और x माइनस अल्फा को ही आप क्या मानेंगे, कैपिटल x, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x। अब यहां से अगर एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, यहां से अगर मैं इसका फोकस लिखूं तो वो a कॉमा 0 होगा कि नहीं, इस a कॉमा 0 का मतलब कैपिटल x की वैल्यू a होगी और कैपिटल y की वैल्यू 0 होगी, अच्छा चूंकि हमें आंसर स्मॉल x स्मॉल y में लिखना है तो कैपिटल x का मतलब x माइनस अल्फा, कैपिटल y का मतलब y माइनस बीटा, यानी कि फोकस यहां कितना आ जाएगा, a प्लस अल्फा कॉमा बीटा, अब ये याद नहीं रखना, ये रिजल्ट मत ध्यान रखिएगा, प्रोसेस ध्यान रखिएगा करना क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं, स्ट्रेट लाइन की तरह है ना। हाँ सेम, शिफ्ट सर्किल की तरह, जैसे सर्किल में नहीं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया था और फिर शिफ्ट करा दिया था, सेम यहाँ पर ये वाई माइनस बीटा और ये एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, बोलो। जैसे एक और मैं बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि एक्सिस, इस केस में एक्सिस कितनी होती है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, याद आया, तो कैपिटल वाई इक्वल टू 0 का मतलब y माइनस बीटा इक्वल टू y माइनस बीटा इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस बीटा इक्वल टू, बात समझे कि नहीं। जैसे इस केस में मैं आपकी बात करूं, वर्टेक्स कितना होता है, 0 0 0 0 का मतलब सो y 0 x 0 कैपिटल y, इसका मतलब x माइनस अल्फा भी 0 y माइनस बीटा भी 0, यानी कि वर्टेक्स कितना आएगा अल्फा, इसके लिए, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, तो ये चेंज कैसे हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। हाँ या ना, समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं, चेंज कैसे हो रहे हैं, बोलो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा यहीं पे सपोज यहाँ माइनस लग जाता तो हम माइनस वाले सारे चेंज ले लेते, नहीं, यहीं पे अगर ये हो जाता x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 4a y माइनस बीटा, तो हम इसको कैपिटल x और इसको कैपिटल y लिख देते, तब ये कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4a y हो जाता, तो उसके सारे रिजल्ट लिख के इंटरचेंज कर लेते। यस सर। हाँ या ना, बोलो। तो हम इसके सारे रिजल्ट इंटरचेंज करके लिख लेंगे कि नहीं, हमेशा बताओ।
ये अच्छा परफेक्ट स्क्वायर किसी एक में ही होगा, या तो x, अगर x y स्क्वायर है तो y में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अगर x स्क्वायर है तो x में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दोनों में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता ना, क्योंकि एक में लीनियर आएगा और दूसरे में स्क्वायर आएगा, तो एक वेरिएबल स्क्वायर में होगा और दूसरा वेरिएबल किस में होगा, लीनियर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ यार, इसका मतलब आप देखो दो सिचुएशन आपके सामने हमेशा आएंगी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो होगा। सोचो ये किसमें स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर वाई में, किसमें स्क्वायर बनेगा, एक्स में, एक्स में, यानी कि इसको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखोगे, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस अल्फा, अब ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखोगे, वाई सॉरी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई माइनस बीटा, अब ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो जहां जैसी बात होगी उसके हिसाब से आप चलोगे। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में ये चेंज तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई का टर्म ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला, तो कोई भी कोनिक मतलब कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड कब तक रहेगा, जब तक उसमें क्या ना हो, एक्स वाई का टर्म, क्योंकि एक्स वाई का टर्म आते ही आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हम अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कब तक लिख सकते हैं, जब तक एक्स वाई ना हो, तो वो हमेशा जो स्क्वायर में होगा उसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर में एक ही होगा, या तो एक्स स्क्वायर आपके सिस्टम में होगा या वाई स्क्वायर आपके सिस्टम में होगा, बाकी एक फैक्टर लीनियर होगा। अब ये काम कैसे करेंगे तो अभी हम क्वेश्चन में चलेंगे, बट इन दोनों में कैसे कौन से फॉर्म में क्या चेंज होगा ये समझ में आया, और यही चेंज कब होगा ये बात समझ में आ गई, बोलो। अरे हाँ यार, इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन में कब तक है, एक्स वाई जीरो, कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन तक कब तक है, जब तक उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, जब तक उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो है तब तक वो स्टैंडर्ड में है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो। तो अब अगर इस फॉर्म में है तो y में उसको स्क्वायर बना देंगे, अगर इस फॉर्म में है तो x में उसको स्क्वायर बना देंगे। अब ये प्रोसेस कैसे करेंगे तो अभी हम देखेंगे, बट कैसे क्या बनाएंगे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ मुद्दे की बात। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। डन हो गया मामला, बोलिए जल्दी से, समझ गए सब लोग कि नहीं? अभी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात और करनी है, वो अभी आगे करेंगे, तब करेंगे, थोड़ा जगह स्पेस देना है। देन है, अब ये काम परफेक्ट स्क्वायर वाला करते कैसे हैं, ये हम एक कुछ नहीं किए। यस सर। चलो अब आ जाओ, देखो जल्दी से देखते हैं, फिर अभी कुछ शॉर्ट टेक्निक भी बता देंगे। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 3y, प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, y में परफेक्ट स्क्वायर किस में बनेगा, पहला सवाल। सो y में, y वाला सारा टर्म एक तरफ रखो, x वाला सारा टर्म एक तरफ ले जाओ, पहला स्टेप खत्म, बोलो। y वाला सारा टर्म एक तरफ, x सब एक तरफ, डन। अच्छा, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, दूसरा स्टेप खत्म, बोलो जल्दी से, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बना लो, 1। अच्छा, अब y स्क्वायर तो यहां है ही, ध्यान देते जाइएगा, यही स्टेप फॉलो करने होते हैं, यहाँ पे करो 2 into 3 by 4 into y, तो 3 by 4 के स्क्वायर को ऐड कर दो, बोलो, और 3 by 4 का ही स्क्वायर क्या करो, सर नीचे 16, सर 9 by 16 होगा, 3 by 4 का ही स्क्वायर ऐड करो और 3 by 4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ तक ओके हो, ये बताओ। यस सर। अरे हाँ या ना, अब जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया उसको एक साथ ले लो, 5 plus 3 by 4 और इसको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले आओ, दूसरी तरफ कितना आएगा बताओ, देख लो ध्यान से। अरे हाँ या ना, यही तो आएगा दूसरी तरफ, बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब ये बन गया 2 into y plus 3 by 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x plus कितना, 33 by 8। अच्छा, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, अब इसको ध्यान से लिखो, तो y plus 3 by 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू
4 कॉमन x प्लस 33 बाई 32 देखो हाँ या ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे तो y प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर इस 2 से भी डिवाइड कर दो तो 2x प्लस 33 बाई 28 देखो जरा ध्यान से क्या ये आया पैराबोला बोलो। कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ। सबसे पहले y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ क्योंकि y में क्वाड्रेटिक बनना है y स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बना लिया परफेक्ट स्क्वायर में 2 इनटू a इसके स्क्वायर को ऐड सबट्रैक्ट किया जो सबट्रैक्ट वाला पोर्शन था उसको इधर ले आए यहां पे इस 2 से डिवाइड किया पहले x को कोएफिशिएंट को 1 बनाया कॉमन करके फिर इससे डिवाइड करके इसको स्क्वायर में लिख दिया। अब ये बन गया 33 बाय 32 होगा 33 बाय 20 20 लिख दिया 22 अभी ठीक है ना। यस सर। अभी ये इक्वेशन कैसे इंटरचेंज हुई ये सबको दिख रहा है कि नहीं बताओ। हाँ या ना। अब बताओ इसको हम क्या ट्रीट करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये क्या हो जाएगा 4a हमारा 2 हो जाएगा a की वैल्यू हाफ आ जाएगी कि नहीं बोलो। यस सर। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/2 यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे बोलो भाई यानी हमने कैपिटल y किसको ट्रीट किया है y प्लस 3 बाय 4 और कैपिटल x किसको माना है x प्लस 33 बाय 32 को देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देन अब सवालों के जवाब शुरू करते हैं। फोकस कितना होगा इसका फोकस होगा a कॉमा 0 ना यानी कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x प्लस 33 बाई 32 इज हाफ एंड y प्लस 3 बाई 4 इज 0 तो x कितना आ जाएगा बताओ 17 बाई 32 चेक करियो जरा और y की वैल्यू माइनस 3 बाई 4 आएगी देखो सही लिख रहा हूं मैं अरे हाँ या ना बोलो भाई जल्दी से सही लिख रहा हूँ कि नहीं। यस सर। तो यानी फोकस हमारा कितना आ गया माइनस 17 बाई 32 कॉमा माइनस 3 बाई 4 सबको समझ में आया कैसे लिखा मैंने बताओ। गुड। वर्टेक्स कितना आएगा बताओ कैपिटल x 0 कैपिटल y 0 अरे हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब माइनस 33 बाई 32 0 y प्लस 3 बाई 4 0 तो इसका मतलब x कितना आएगा माइनस 33 बाई 32 y कितना आएगा माइनस 3 बाई 4 तो वर्टेक्स कितना हो गया माइनस 33 बाई 32 एंड माइनस 3 बाई 4 समझ में आ रहा होगा सबको। गुड। एक्सेस कितनी आएगी एक्सेस कितनी आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए y इक्वल टू 0 y इक्वल यानी कैपिटल y इक्वल टू 0 यानी कि स्मॉल y प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 0 यानी कि y प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 0 समझ में आ रहा होगा सबको ये बोलो। गुड। अब यहीं पे मैं बात करूं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आएगा बताओ 4a 4a मतलब 2 यस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो 2 ही आ रहा है ना बोलो। अच्छा इसके बाद अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होगी कैपिटल x इक्वल टू a इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होगी कैपिटल x इज इक्वल टू हाफ अरे हाँ है ना और कैपिटल x कितना है x प्लस 33 बाई 32 इक्वल टू हाफ यानी कि x इक्वल टू माइनस 17 बाई 32 देखो अरे हाँ या ना समझ रहे हो कि नहीं। गुड। डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी x प्लस a इक्वल टू 0 यानी कि कैपिटल x प्लस हाफ इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 33 बाई 32 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0 एम आई करेक्ट और नॉट बोलो। अरे भाई तो क्या वो x प्लस 49 बाई 32 इक्वल टू 0 हो जाएगी चेक करो जरा सब लोग। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अच्छा एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम कितने होंगे अब बताओ एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम कितने होंगे। हाँ अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बात करूं तो कैपिटल x इज इक्वल टू a बोलो एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 2a अरे बोलो। यस सर। यस सर। या फिर एक तो ये होते हैं तो यहां से अगर चलोगे तो x प्लस 33 बाई 32 इक्वल टू हाफ यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 17 बाई 32 और y की बात करोगे तो y प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 1 तो यहां से y कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 चेक करिए
और यहाँ दूसरे वाले क्या होते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हा ए और कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस टू है, यानी कि एक्स प्लस 33 बाई 32 इज हाफ, तो एक्स जो है वो माइनस 17 बाई 32 आएगा और वाई प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू माइनस 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 7 बाई 4, चेक करिए जरा, अरे बोलो यार, तो एंड पॉइंट कितने आ गए, माइनस 17 बाई 32 माइनस 1 बाई 4 एंड माइनस 17 बाई 32 माइनस 7 बाई 4, क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ, ये प्लस 1 बाई 4 होगा, कहां पे बेटा, ठीक है, देखो कोई डाउट आ रहा तो बताओ, बोलिए भाई, एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम एक्सिस वर्टेक्स सब निकाल लिया कि नहीं, ये बताओ, सीधा इंटरचेंज करते हुए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, नो सर, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, अब जिस टाइप का आएगा उस टाइप के लिए आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिजल्ट लिख लेंगे और बाद में उन सारे रिजल्ट को किस में इंटरचेंज कर देंगे, बताओ, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, क्या ये चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे सोच रहे हैं, ये बात समझ में आई, कैपिटल एक्स से कैसे स्मॉल एक्स में जा रहे हैं, ये बात क्लियर हुई, बोलो, कब तक वो स्टैंडर्ड रहेगा, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, अरे हाँ या ना, बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ, गुड, yes. अब जरा इन इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बाय ज्योमेट्री, तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4x माइनस 3, अगर आप इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये देखना, इसका वर्टेक्स कितना था, जल्दी जल्दी बताते जाओ, वर्टेक्स कितना था, माइनस 33 बाय 32 कॉमा माइनस 3 बाय 4, मतलब यहाँ कहीं वर्टेक्स मान लेते हैं ये कुछ, यस सर, जो इसकी एक्सिस थी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी कि नहीं, यस सर, हाँ यार, और ये कुछ ऐसा था कि नहीं था, यही तो था वर्टेक्स, यस सर, कितना था ये वर्टेक्स, y equal to minus 33 by 32 और minus 3 by 4, minus 33 by 32 और minus 3 by 4, यही था ना vertex, yes sir, axis इसकी यही तो थी, कितनी, y equal to minus 3 by 4, तो axis क्या है, parallel to, x axis, parallel to x axis, है कि नहीं ये बताओ, yes, यानी अगर इस तरह का कोई भी parabola होगा जिसमें y में square होगा, उसकी एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं, हाँ या ना, yes, दिख रहा है, अच्छा यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो एक्सिस के पैरेलल, पाई एक्सिस के पैरेलल, ये एनालिसिस डन है, yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जो ये पहला वाला पैराबोला आपने लिखा है इसमें इसकी एक्सिस ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो आप उसको हमेशा y में परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं, yes, ये बात ही अच्छा, अगर वो ये होगा तो इस केस में क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस ऑफ पैराबोला किसके होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी कि नहीं होगी, ध्यान रखना, अच्छा इसके बाद अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये जो अल्फा और बीटा है यही अल्फा कॉमा बीटा आपके वर्टेक्स होंगे, Yes, sir. बोलो यहाँ पे भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और उसका वर्टेक्स कितना होगा, बोलो अल्फा कॉमा बीटा होगा कि नहीं, ध्यान देना, yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलते जाना, क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इस पूरे रिजल्ट को एनालाइज करके लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख दूंगा जिससे आपका कैलकुलेशन सीधा सॉल्व हुआ करेगा डायरेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान देते रहिएगा सारी चीजों को, क्लियर है कि नहीं बताओ, चलो ये दो बातें होंगी, अच्छा तीसरी बात पे आओ, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, y स्क्वायर का, और x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये जो 4 बाई 2 है यही आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है कि नहीं, देखो, यस सर, हाँ या ना, यस सर, है कि नहीं, इसका मतलब yes, जो y स्क्वायर का है और जो दूसरे वेरिएबल x का है दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो ही लैटिस रेक्टम होगा, तो इसका मतलब yes, अगर ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, कौन सी, ये,
और ये पैराबोला है, तो इसके लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा हमेशा c by a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो सोचो इसके लिए क्या होगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब इसके लिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सीधा आंसर आप लैटिस रेक्टम का दे देंगे हमेशा, सिर्फ लैटिस रेक्टम के केस में ही आप कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे हाँ या ना, अगर एक्सिस y के पैरेलल है तो x में स्क्वायर बनेगा, और अगर एक्सिस x के पैरेलल है तो y में स्क्वायर बनेगा। मतलब जिसके पैरेलल है वो लीनियर रहेगा, जिसके पैरेलल है वो लीनियर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? और अगर आपको लैटिस रेक्टम की लेंथ पता है तो सीधा यहाँ रख दोगे, लैटिस रेक्टम की लेंथ पता है तो सीधा यहाँ रख दोगे। अरे हाँ या ना, एनालिसिस एकदम क्लियर हुए कि नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो यार, यहाँ तक एकदम ओके हो? यस सर। हाँ या ना बोलिए, एकदम मामला डन है? ये दोनों रिजल्ट एकदम देख के बता सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। यानी कि अब ध्यान देना लास्ट और आखिरी चीज, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए तो हम ये काम करते हैं एक्चुअली, सही है ना? मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा एनालिसिस हो तो हमको यही काम करना पड़ता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए अब पैराबोला, ठीक है, विद, ध्यान देना, विद वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा एंड पहला पार्ट, विद वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा, विद वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a, ठीक है ना, एंड इट्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? x के पैरेलल होगा तो y में बनेगा, तो यानी कि y माइनस बीटा, वर्टेक्स दिया है ना अल्फा बीटा, होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। और यहीं पे अगर मैं कह दूं इट्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तब आपका आंसर क्या होगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। मतलब ये इंफॉर्मेशन दी हो और ये कह दिया जाए कि उसकी एक्सिस x के पैरेलल है तो आप सीधा ये अज्यूम करोगे, ये इंफॉर्मेशन दी और कह दिया जाए एक्सिस y के पैरेलल है तो आप ये अज्यूम करोगे। हमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दिया होगा, वर्टेक्स दिया होगा, तो हम सीधा ये रिजल्ट लगाएंगे। यस सर। बात समझ रहे हो कि नहीं? कुछ भी इधर उधर, बस याद रखना पैरेलल टू x या पैरेलल टू y बोला जाना चाहिए। समझ गए? पहला अजम्पशन क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। दूसरा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाए अब पैराबोला, ठीक है, हूज एक्सिस, ध्यान देना, पहला पैरेलल टू, एक सेकंड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या लोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y में क्वाड्रेटिक होगा। यस सर। यानी कि आप मानोगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, सोचो हाँ या ना? यस सर। और अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या मानोगे? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c। अब abc निकालने के लिए क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी होगी वो कंडीशन देख के आप यूज निकाल लेंगे, हाँ या ना? यानी कि हूज एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि नहीं है कि नहीं बताओ? एक बार एक्स के पैरेलल, एक बार वाई। जब एक्स के पैरेलल होगी तो आप एक्स इक्वल टू वाई में क्वाड्रेटिक मान लेंगे, जब वाई के पैरेलल होगी तो वाई इक्वल टू एक्स में क्वाड्रेटिक मान लेंगे। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके हिसाब से आपको अपने अटेंशन ले लेंगे।
और जैसी इक्वेशन गिवन होगी लैटस रेक्टम की लेंथ ले लोगे ना, इस केस में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा जल्दी बताओ, 1/a? यस सर। इस केस में 1/a ना? यस सर। एक्स स्क्वायर का और वाई का कोफिशिएंट ही तो लेना होता है। यस सर। बोलो भाई। अरे हाँ या ना, क्या ये रिटर्न इन्फॉर्मेशन सबको समझ में आई कहाँ पर क्या करना होगा? yes, बोलो भाई। तो जहां जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आप काम कर लेंगे और उसी को उसी हिसाब से इंटरचेंज करके सारा एनालिसिस बना लेंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो जल्दी से। रिजल्ट बताओ क्या करोगे इसके रिजल्ट के लिए? y को ऐसे रहने दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 2 कर दो, तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 ये आ गया। हाँ या ना? तो इसी को हम क्या चेंज करें, कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y, जहाँ कैपिटल x का मतलब x माइनस 1, कैपिटल y का मतलब y माइनस 2 और 4a का मतलब 1, तो a का मतलब 1/4 हो गया। ये तीनों चीजें समझ में आई सबको कि नहीं बताओ? बोलिए ये तीनों चीजें सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। आप बताओ, आप शुरू करते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, तो पहली चीज इसका फोकस की बात करते हैं, तो फोकस कितना होगा इसका? 0, a। यस सर। यानी कैपिटल x इज 0 एंड कैपिटल y इज a। इसका मतलब कैपिटल x मतलब x माइनस 1, कैपिटल y मतलब y माइनस 2। बोलो, यानी x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 9/4। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 1, 9/4 होगा कि नहीं बताओ? बोलिए भाई। अच्छा, इसके बाद एक्सिस की अगर हम बात करें तो इस पैराबोला की एक्सिस कितनी होती है? कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की एक्सिस कितनी होती है जल्दी बताओ? कैपिटल x इक्वल टू 0। अरे बोलो। यस सर। तो इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 1 हो गई कि नहीं? बोलो भाई, एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो गई x इक्वल टू 1? इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ? नो सर। नो सर। गुड। इसके बाद आ जाओ, अगर हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल x माइनस a इक्वल टू 0 की डायरेक्ट्रिक्स होगी कैपिटल x माइनस a या प्लस a? बोलो। प्लस a। कैपिटल x का मतलब x माइनस a और a का मतलब 1/4 इक्वल टू 0। तो क्या ये x एक माइनस 3/4 इक्वल टू 0 आएगा? चेक करो जरा। अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स कितना होता है? इसका वर्टेक्स कितना होगा? 0, 0, मतलब कैपिटल x भी 0, कैपिटल y भी 0। इसका मतलब x माइनस 1 0 और y माइनस 2 0। तो क्या ये 1, 2 आएगा? बोलते जाओ भाई। वर्टेक्स के बाद लैटस रेक्टम कितना आएगा? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बताइए। 4a। मतलब 1/1 होगा कि नहीं बताओ? यस सर। सारे आंसर समझ में आए? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। बोलिए, सारे आंसर क्लियर हुए? कहीं कोई कंफ्यूजन आने वाला कि इक्वेशन को क्या लेंगे? और वो तीन पॉइंट से पास कर रहा है और एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला क्या होगा? उसकी एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा ही तो होगा पैराबोला, कुछ ऐसा। yes, इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ या ना? और ये पैराबोला 0, 4 से पास करता है, इसका मतलब 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। दिखा? ये पैराबोला 1, 9 से पास करता है, तो इसका मतलब 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। और ये पैराबोला माइनस 2, 6 से पास करता है, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये बताओ, c की वैल्यू जैसे ही 4 रखोगे तो a प्लस b 5 आएगा, c की वैल्यू 4 रखोगे तो 4a माइनस 2b की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ या ना? इन्हीं दोनों को इक्वेशन सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे कि नहीं, आप लोग बताइए? नहीं समझ रहा पूरी बात, बताओ भाई। a आ गया 2, b 3 आ गया, तो इसका मतलब पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब बताओ, इसका लैटस रेक्टम डायरेक्ट देखना आता है कि नहीं बताओ?
लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन क्या होता है, y का कोफिशिएंट y 1/2 हो गया कि नहीं बताओ। यस सर। अरे यही तो होता है लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन, बताओ। जो सिंगल वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और जो परफेक्ट स्क्वायर में उसके स्क्वायर कोफिशिएंट, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन 1/2 हो गया। अगर हमें इसी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना हो तो तरीका क्या था बोलो। सबसे पहले 2 कॉमन करते तो x² + 3/2 x लिखते और यहां y - 4 कर देते, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो x² + 2 × 3/4 × x + 9/16 ऐड करते, 9/16 सब्ट्रैक्ट कर देते। बोलो भाई समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। तो ये 2 × x - x + 3/4 का होल स्क्वायर बनता और यहां पे क्या रहता, y - 4 + 9/8। अरे हां या ना, ये 2 × x + 3/4 का होल स्क्वायर और यहां पर क्या बनता, y - 23/8। देखो जरा बोलो। तो यही पैराबोला की इक्वेशन क्या आती है, x + 3/4 का होल स्क्वायर = 1/2 y - 23/8। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन मिल जाता कि नहीं, बट ये निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट निकल आएगा। अब अगर यहीं पे फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स कुछ भी चाहिए तो वो सब आप निकाल लेंगे कि नहीं, सब लोग बताइए। इसमें कोई कंफ्यूजन रह जा रहा हो तो बोलो। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। अभी इससे रिलेटेड सारे रिजल्ट निकाल लेंगे ना, x² = 4ay के सारे रिजल्ट लगा देंगे, हो जाएगा। तो ये पैराबोला का फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो भाई। अच्छा ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, सही है ना? ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का है d, सही है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, नहीं समझे? मतलब जितनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पहला यही हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस हैविंग इक्विडिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि v मतलब वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, f एंड d। v जो है f और d का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, सही है ना? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा इसके बाद यहां से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है हाफ ऑफ लेटस रेक्टम, 1/2 लेटस रेक्टम की लेंथ। यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम होती है। नहीं समझे? याद है ये होता है 0, 0, ये होता है a, 0 और ये होता है -a, 0। तो ये डिस्टेंस भी a होती है, ये डिस्टेंस भी a होती है, a मतलब 4a का 1/4 और ये डिस्टेंस 2a होती है, होती है नहीं? यानी फोकस से अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालें तो हमें सीधा क्या, सेमी लेटर सेक्टम मिल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ये किसी भी इक्वेशन, पैराबोला की कोई भी इक्वेशन हो उसके लिए वैलिड है, डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यानी अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है बोलो, लेटस रेक्टम की लेंथ, तो सीधा क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाफ ऑफ एल आर के बराबर कर दोगे, वहां से एल आर निकाल लेंगे कि नहीं बताओ। बोलिए भाई क्या ये बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? अच्छा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है बोलो, दैट इज 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स पता है और क्या पता है,
वर्टेक्स पता है, तो भी लेटर सेक्टम की लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ या ना? यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट? अच्छा, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, सोच के बताओ। अगर हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा तो पी एस इक्वल टू ई पी एम लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो? यस सर। अगर हमें पैराबोला का क्या मिल जाए, फोकस मिल जाए और पैराबोला की क्या मिल जाए, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो हम पैराबोला की इक्वेशन बता सकते हैं कि नहीं, हमेशा बताओ? यस सर। कोई कंफ्यूजन इन दो बातों में हो तो बोलो। अगर हमें ये पॉइंट अल्फा बीटा मिल जाए और ये लाइन मिल जाए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, तो हम पैराबोला की इक्वेशन बता सकते हैं कि नहीं, बोलो? वो क्या होती है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? यस सर। ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, बोलो भाई। तो अगर हमें किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो बस हमें दो चीजें सर्च करनी है, क्या क्या? अच्छा, क्या हमें अगर पैराबोला में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है और लैटस रेक्टम निकालना है तो इक्वेशन निकालेंगे ना? नो सर। परपेंडिकुलर ट्रिगनल निकालेंगे और उसको यस सर, उसका ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, समझ रहे हो? यस। हां या ना? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हमें फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है और एक्सिस निकालना है तो क्या करोगे? इसके परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और इससे पास करा देंगे, तो उसके लिए इक्वेशन निकाल लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ये बात कि नहीं? एक्सिस निकाल लोगे कि नहीं, बोलो? बोलिए भाई, हो जाएगा? यस सर। गुड, आगे आओ। अगर आप लैटस रेक्टम खींचो तो मिड पॉइंट ऑफ द लैटस रेक्टम क्या होता है? फोकस। अगर ए बी लैटस रेक्टम है तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है? फोकस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? बोलिए। द लेटस रेक्टम इज फोकस, मिड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इज फोकस, ठीक है ना? अच्छा, अगर हमें टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, अगर हमें लेटस रेक्टम पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? सेमी लेटस रेक्टम, समझ रहे हो कि नहीं ये बात? तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या क्या, डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम क्या होता है, इज हाँ भाई क्या होती है, इक्वल टू हाफ ऑफ लैटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स एंड लोकस, नहीं नहीं डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटस रेक्टम ना, डायरेक्ट्रिक्स और लैटस रेक्टम के बीच की जो डिस्टेंस हुई ना, यस सर, हाफ ऑफ लैटस रेक्टम, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, वही तो लिखा है, नहीं समझे? बोलिए। समझ गए सर। ज्योमेट्रिकल सारे रिजल्ट समझ में आ रहे हैं सबको कि नहीं आ रहे हैं, बताओ? अब जहां पे आपको जैसी इंफॉर्मेशन दी जाए, अच्छा यहीं पे अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स पता हो आपको ना, और क्या पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1/4 ऑफ द लेटर सेक्टम, नहीं बताओ भाई? यानी कि yes, डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ये सारी चीजें एक ही टाइप की हैं कि नहीं? बस ये ज्योमेट्री अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ? अब जहां जैसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वहां आप वो काम कर लो, बोलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, बताओ? बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। अब जरा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें जल्दी से आपको सारे आंसर मुझे बताओ। फर्स्ट में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ लेटस रेक्टम, बताओ? यस यस। तो वो हो जाएगी आपकी 4 + 6 - 3 का मॉड डिवाइडेड बाई √5। लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी? √5 है, कितनी आ जाएगी बताओ? √5। अच्छा,
यहाँ पर टू आएगा ना, बोलो। यस सर। तो टू रूट फाइव आ रही है क्या? देखो यस सर, ये आंसर सही है। सेकंड बताओ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 1/4 लेटर सेक्टम होगी कि नहीं? यस सर। और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 √4। सर 4√2 आंसर है। 4√2 1 + 1 सर, ये 4 नहीं 2 होगा। 1 + 1 यस सर। तो यहां से लेटर सेक्टम कितना आ रहा है? 4√2 यस सर। यस सर। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड में क्या है? फोकस और टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/4 एलआर होगी क्या? सर 8/√5। वो डिस्टेंस कितनी है? 8/√5। 1 + 2 - 1/√5 आया ना। तो अब लेटर सेक्टम 8/√5 आ रहा है। देखो फोर्थ का आंसर बताओ जरा, टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, तो वो 1/4 एलआर होगी कि नहीं? यस सर। और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस c1 - c2 करोगे, डिवाइडेड बाय √2, तो यहां से एलआर कितना आ रहा है? बोलो 8√2 क्या? यस सर। देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1/4 ऑफ एलआर आएगी ना? नहीं समझ रहे? यस सर, समझ गए सर। गुड, लास्ट वाला केस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स और लैटर रेक्टम के बीच की डिस्टेंस 1/2 LR होगी कि नहीं? सर, तो सबसे पहले दोनों पैरेलल लाइनें उसी हिसाब से लिखोगे। पहली पैरेलल लाइन क्या लिखोगे? 2x - 3y + 4। और दूसरी क्या लिखोगे? 2x - 3y + 9/2। बोलो, तो 4 - 9/2 / √4 + 9 मतलब 13। तो अब LR कितना आएगा यहाँ से? अरे बताओ भाई, 1/√13। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो ज्योमेट्री वाइज सारे रिजल्ट समझ में आए सबको? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बोलिए बोलिए, इनमें से कोई भी कहीं भी सिटी गैस बोलो। यस सर, समझाता हूँ। फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दी थी, तो सबसे पहले हमने देखा कि फोकस जो है वो 2, 3, डायरेक्ट्रिक्स x = 1 है। तो इसका मतलब जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये y = 3 है, y = 3 x = 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 3 आ गया। यानी कि डी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस आई 1 आई, वही होती है लैटर रेक्टम का हाफ। यहाँ से लैटर रेक्टम की लेंथ निकाल ली, वो आ गई 2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वर्टेक्स होता है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वर्टेक्स मिल गया। अब वर्टेक्स और लैटर रेक्टम मिल गया है, और ये पता है कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। y - 3 का होल स्क्वायर × 4ax - β α लगा दिया। नहीं तो डायरेक्ट्रिक्स पता थी, फोकस पता थी, ps² = pm² लगा देते, उससे भी सेम आंसर आ जाता। दोनों मेथड है आपके पास, जो सही लगे। कैसे सर? वो y = 2 है ना? हाँ, y = 2 ये लाइन है, वेरी गुड। वर्टेक्स ये रहा 2, 2, फोकस वर्टेक्स से पहले है कि नहीं? हाँ है ना, इसका मतलब पैराबोला ऐसे रहा होगा, ये बात सबको दिख गई। तो स्टैंडर्ड है, वर्टेक्स पता ही है। अच्छा, इस ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये वाली a होती है। यस सर। तो 4a कितना आ जाएगा? अगर a डिस्टेंस निकालोगे तो वो 3 आ रही है, तो 4a 12 हो जाएगा कि नहीं? चेक करो जरा, ये डिस्टेंस 3 आ रही है कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। तो 4a कितना हो गया? 12। ये समझे कि नहीं, बताओ भाई। समझ गया सर, समझ गया। अब हमें क्या-क्या दिया है इसमें? वर्टेक्स और लेटर रेक्टम, और एक्सिस किसके पैरेलल है? समझ गए कि नहीं? आंसर बताओ, डायरेक्ट लिखना। वर्टेक्स पैराबोला की ज्योमेट्री, फोकस की लोकेशन, और ए देखकर हम डायरेक्ट लिख पाए कि नहीं लिख पाए, बताओ। आसान था मेथड वन लगाना इसमें, बोलो। यस सर। अच्छा, अगर इसमें कोई कहता नहीं सर हम मेथड वन नहीं मेथड टू लगाएंगे, तो मेथड टू लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था बताओ? डायरेक्ट्रिक्स। जब 1, 2 ये था, वर्टेक्स था 2, 2, तो इन दोनों के मिड पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डी पॉइंट निकलेगा कि नहीं, बताओ? यस सर। क्या निकलेगा वो? 5, 2। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी तुरंत? x = 5। यस सर। अब फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, तो सीधा इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? x + 1 / y - 2 / x - 5। ये दूसरा मेथड हो गया। नहीं समझे मेरी बात? आ गई सर।
तो दूसरा मेथड भी पहला मेथड भी, जहां जैसी इंफॉर्मेशन दी होगी। इसमें पहला मेथड लगाना आसान पड़ा कि नहीं ये बताओ, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स निकालने में टाइम लग रहा है ना। इसमें क्या था, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिए थे, तो दूसरा मेथड लगाना आसान, बट कैसे क्या कर रहे हैं बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। नो सर, है ना, x equal to 2 है सर, यस सर, x equal to 2 x है, यस सर, x equal to 2 axis है ना इसकी, parallel to y axis, यस, vertex है 2,5, हाँ है ना, और ये दिया हुआ है 2,1, बोलो भाई, यानी ये opening upward side है कि नहीं, yes, इन दोनों के बीच की distance कितनी होगी, 4, a, वो 4 हो जाएगा, तो 4 a कितना हो जाएगा, 16, लैटर सेक्टर मिल गया, वर्टेक्स पता है, लैटर सेक्टर पता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 y माइनस 5, ये आंसर हो गया। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा मैंने, समझ आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, यस सर आ गया, हाँ ये ना, अच्छा अगर दूसरे मेथड से लिखते तो क्या लिखते बताओ सर, फोकस निकालते पहले, फोकस निकालते पहले, फोकस कितना आता, 2,9, मेथड 2 में सबसे पहले निकालते फोकस, फोकस कितना आ जाता, 4, 1, नहीं 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 2,9 के लिए, तो 2 मेंटेन होता ना, हाँ 2, और 10 माइनस 1, 9, सही है, फिर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितनी लिखते, इसके पैरेलल ना, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, बोलो, यस सर, अब डायरेक्ट्रिक्स फोकस मिल जाता, सीधा आंसर लगा देते, तो इक्वेशन क्या आ जाती, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 9 का होल स्क्वायर, जहां जैसी सिचुएशन डिमांड होगी वहां आप वैसा काम कर सकते हैं, कर लेंगे कि नहीं बताओ, यस सर, हाँ है ना, अच्छा हम यही काम तो कर रहे हैं, इन ये दो पॉइंट पता है तो इस लाइन का स्लोप पता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो तुरंत हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ मिड पॉइंट से फोकस मिल जाएगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गए, आंसर आ जाएगा, अगर इन जनरल दिया होता, इस केस में तो खैर स्टैंडर्ड है इसलिए जल्दी हो जा रहा है, अगर स्टैंडर्ड भी नहीं होगा तो भी सेम काम कर लोगे कि नहीं बताओ, कर लोगे ना, इसमें क्या है, y इक्वल टू माइनस वन है क्या, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस वन है क्या, यस सर, यस सर, x इक्वल टू माइनस वन, एक्सिस फोकस कितना दिया हुआ है, माइनस 1,3 है, तो ये ऊपर है इस बार, माइनस 1,3, और ये कितना दिया हुआ है, माइनस 1,-1, तो ये कुछ डाउनवर्ड जा रहा है क्या, देखो नहीं क्या, अरे बोलो, ये डायरेक्ट्रिक्स जा रही है, अरे बताओ भाई सही लिखा है मैंने, यस सर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2a, तो 2a कितना आ रहा है इस बार, 4, तो 4a की वैल्यू 8 आ गई, देखो जरा ध्यान से, वैसे करते तो इसके पैरेलल लाइन ये लाइन क्या हो जाती है, y इक्वल टू 3, तो अब फोकस मेथड 2 में जाते तो फोकस कितना दिया था, माइनस 1,-1, डायरेक्ट्रिक्स कितनी दी थी, वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तब इक्वेशन क्या लगाते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, अभी भी सिंप्लीफाई करते सेम आंसर आ जाता, बोलो भाई नहीं समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, तो दोनों मेथड क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, बोलिए जल्दी से, डायरेक्ट लिखना भी समझ में आ रहा है और इनडायरेक्ट लिखना भी समझ में आ रहा है, yes, सबको कि नहीं, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, नो सर, गुड, अब जरा एक क्वेश्चन, सर ये स्टैंडर्ड ही नहीं है, हाँ, yes, तो बस तब नॉन स्टैंडर्ड की तरह चलेंगे, 1,1 ही होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो एक्सिस पे ही होगा ना कहीं पे, 5,3, इसका मिड पॉइंट वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स निकालने की क्या इसमें जरूरत है ना, फोकस हमें पता है, अगर हम डायरेक्ट्रिक्स निकालें तो काम हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, तो अब हमारा एम सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है कि नहीं, बताओ, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, फोकस पता है तो इक्वेशन मिल जाएगी, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और 5,3 से पास करेगा, ये तो ओके हो, इस लाइन का स्लोप कितना है, सो 1/2,
थ्री माइनस वन और फाइव माइनस वन बाई टू, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना होगा? माइनस टू. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? यही होगी. बोलो. यानी कि 2x yes, प्लस y और साथ में क्या आ जाएगा? इक्वल टू 7 नहीं 13 13 या माइनस 13 इक्वल टू 0. अभी ठीक है तो यस सर. अब हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, मिल गया डायरेक्ट्रिक्स सबको, और हमें फोकस मिल गया, तो क्या हमें इक्वेशन लिखनी आती है? बोलो. हम इक्वेशन और पैराबोला क्या लिखेंगे? सेम, पीएस स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर, हाँ या ना? यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 13 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर. इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. क्या ये स्टैंडर्ड मेथड हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये यस सर. इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो. तो हमने इसमें सेम पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए सेम काम करना, चूंकि स्टैंडर्ड नहीं था, स्टैंडर्ड होता तो वर्टेक्स निकाल के कुछ करते. तो क्या हम इसमें वर्टेक्स निकालने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं, सीधा हमको डी और एफ पता है, डी इसको जो स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स लिख लेंगे. एक बार डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आ गया तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर होता ही. नहीं समझे? पहला पार्ट डन हुआ सबसे. बोलो, समझ गए कि नहीं? पहले पार्ट में यही काम क्यों किया बताओ भाई. अरे बोलोगे कुछ? सभी लोग समझ पाए? आगे इसको सॉल्व कर लोगे ना आराम से? बोलो. यस सर. गुड. सेकंड वाले में क्या करने के प्लानिंग में हो? ये भी स्टैंडर्ड है, फोकस निकाल लेंगे. नहीं सर. हां, इसमें क्या क्या दिया है बताओ? वर्टेक्स और फुट टू डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है. हां, और v दिया हुआ है. सबसे पहले क्या निकालेंगे? फोकस, मिड पॉइंट वाले कांसेप्ट. 3.5 4 माइनस 1 और 9 6 माइनस 1 3.5. इसके बाद इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे सेम लॉजिक लगा के. हाँ या ना? इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ? बोलो. 5 माइनस 1 2. इसका स्लोप 2 आएगा, तो यानी स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा इस बार? माइनस 1 बाय 2. माइनस 1 क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की? y माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ. देखो जरा ध्यान से, तो x प्लस 2y और साथ में क्या आएगा? माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. चेक करिए जरा. यस सर. सही लिखा है? यस सर, सही है. सही है ना? अब हमें डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गई और हमें क्या मिल गया? फोकस भी मिल गया. focus. तो हम सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर. यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो हम दो ही चीजें, कोई भी फॉर्म हो, हम सिर्फ दो ही चीजें सर्च करते हैं. क्या? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस. तो बस इसके बाद पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर लगा देंगे तो क्या आएगा आंसर? एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री बाय रूट फाइव, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री बाय रूट फाइव इक्वल टू होल स्क्वायर. क्या ये मेथड आप सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएगा. मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए. क्या बोलते हो तुम लोग? तो अब इस तरह का कोई भी सिचुएशन दिया जाएगा, आप सीधा इक्वेशन निकाल लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर.